स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई बिलीव कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी फॉर एमएनएस 2022 सीबीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और आपने अभी तक अपनी सीबीटी की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी होगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चों के मार्क्स 150 प्लस यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपने एमएनएस सीबीटी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए, और उन बच्चों की कंपनी को छोड़ दीजिए जो ये सोचकर बैठे हैं कि पहले वो नीट के एग्जाम का वेट करेंगे, उसके रिजल्ट का वेट करेंगे, उसके बाद मंथन करें, उसका सोचना शुरू करेंगे कि अब तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप अभी से अपनी जो प्रिपरेशन उसको स्टार्ट कर दीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि अगली जो वीडियो है वो इस चीज़ के ऊपर आने वाली है कि क्या एमएनएस का सीबीटी, पैट और उसके साथ में आपका जो इंटरव्यू है, क्या वो एक ही दिन होने वाला है। हर एक चीज के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे और ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है, वो चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे और फ्लैशबैक में देखते हैं कि हुआ क्या था। जब प्रोस्पेक्टस हमारा निकला था, इंडिया में नोटिफिकेशन रिलीज करी थी, तो वहां पर उन्होंने कुछ चीजों के बारे में जो चीजें थी वो मेंशन वहां पर करी थी। इससे पहली चीज ये थी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नेट का पेपर देना, उसको आपको क्वालिफाई करना है। उस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपका दूसरा फेज होगा, दैट इज योर एमएनएस सीबीटी, आपका पैट होगा, और उसके साथ में आपका जो इंटरव्यू का जो सेगमेंट है वो वहां पर निकल कर आएगा। देखो, अगर हम अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका पेपर की होने की संभावना कब तक है, नीट का पेपर ऑलरेडी हो चुका है, 17 तारीख को नीट का पेपर हुआ था। अब अगर पिछले 3 से 4 साल का अगर हम ट्रेंड देखते हैं, तो आपका जो नीट का पेपर है उसके कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो निकल कर आता है। अप्रॉक्सीमेटली आप 1 महीने का टाइम मान के चलिए, तो 17 जुलाई को अगर पेपर हुआ है तो 17 अगस्त से पहले आपका जो रिजल्ट है वो एनटीए रिलीज नहीं करेगा। अगर आपने नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने इस चीज़ को देखकर समझा होगा। क्या समझा होगा कि आपका जब पेपर हो जाएगा, जब रिजल्ट निकल आएगा, तो वहां पर जो इंडियन आर्मी है अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन फ्लैश करेगा, जिसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। अब उस नोटिफिकेशन के फ्लैश होने के बाद वहां पर आपको अपने जो मार्क्स होंगे उनको आपको अपलोड करना होगा। मार्क्स को आप अपलोड करेंगे, उसके बाद जो लिस्ट है वो वेबसाइट के ऊपर आएगी, जो बच्चे एमएनएस सीबीटी के लिए जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो टाइम है वो करीब करीब 1.5 से 2 महीने के बीच में आपके पास अभी करंट में टाइम है। लेकिन अगर आप अभी अपनी जो प्रिपरेशन है अगर आप उसको स्टार्ट नहीं करते हैं, तो एज सून एज जो जैसे समय बीतता जाएगा आपके पास दिन घटते जाएंगे और आपकी जो प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। याद करो उन दिनों को जो आप वो बच्चे हो जिन्होंने उस टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, उस टाइम पर पढ़ना स्टार्ट करते थे जब कोई भी नहीं पढ़ता था, या फिर बच्चे जीके और इंग्लिश के ऊपर उतना फोकस नहीं करते थे। भले ही नीट वाले बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर एडवांटेज मिला है, लेकिन जो तुम्हारा मेजर एडवांटेज था जीके एंड इंग्लिश का, उसको मत छोड़। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्या इस बार सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग आएगी, क्या इस बार आपको जीके पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या करंट अफेयर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इन वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान के चलते हैं तो सेप्टेम्बर, क्योंकि अगस्त के महीने के बाद 17 अगस्त के अप्रॉक्सीमेटली या 20 अगस्त के अप्रॉक्सीमेटली आपका रिजल्ट आएगा, तो ये हो सकता है कि सेप्टेम्बर के मिड में आपका जो पेपर है वो वहाँ पर कंडक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत हाई चांसेस कि मिड ऑफ सितंबर में आपका जो पेपर है वो कंडक्ट हो सकता है। अगली वीडियो के अंदर, इससे अगली वाली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या आपका सीबीटी, पैट और इंटरव्यू क्या एक ही दिन होने वाले हैं। वो एक बहुत ही एक मेजर क्वेश्चन साथ में बच्चों का ये भी मेरे पास आ रहा है, सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ वीडियो ओवर दैट। तो अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अगर आपने अभी तक सीबीटी बैच के अंदर एनरोल नहीं करा है तो यार किस चीज़ का वेट कर रहे हो, वेट मत करो, बिकॉज स्लॉट्स आर लिमिटेड, बाद में सीट मिले ना मिले उसका कोई पता नहीं है। नंबर यहां पर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर के ऊपर कॉल करके डायरेक्टली हमारे सीबीटी कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं और हमारी सारी की सारी फैसिलिटीज का जो लाभ है आप निभा सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि हमारे सीबीटी कोर्स के अंदर क्या क्या है, तो इस वीडियो के खत्म होते ही जो आपको सजेस्टेड में जो वीडियो आएगी, आपको एंड स्क्रीन में जो वीडियो दिखेगी, आपको उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आप पूरे के पूरे एमएनएस सीबीटी के कोर्स के बारे में जान सकते हैं। मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।